हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द पीसफुल. दिस मी प्रिया सिंह एंड आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट एंड लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी और सारी वीडियोस ऑनेस्ट नहीं होती है, बट दिस वीडियो इज़ ऑन माय रियल एक्सपीरियंस. आप जानते हो कि मैंने 1 month तक YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू सम पर्सनल इशूज़ एंड उस टाइम पे मैंने अपनी स्किन की केयर करना बिल्कुल से छोड़ दिया था. लाइक मैंने पता है फेस वॉश तक यूज़ करना एकदम से लिटरली छोड़ दिया था. मैं फेस पे सोप यूज़ कर लेती थी, जो मिलता था उसको यूज़ कर लेती थी बिकॉज सीरियसली एक वर्स्ट कंडीशन आता है ना आपकी लाइफ में ऐसा, तो आपको फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है. तो सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी एंड मैंने कुछ भी यूज़ करना छोड़ दिया था एंड मेरे को पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए थे फेस पे. ये पूरे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी डार्क स्पॉट स्टिल हैं, विजिबल थोड़े से बट काफ़ी हद तक वो अभी रिमूव हो चुके हैं. सो मुझे डार्क पहले तो पिंपल हुए, पिंपल्स को मैंने पॉप आउट किया तो मुझे डार्क स्पॉट्स हो गए. यू कैन सी यहाँ 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 दिख रहा होगा एंड मेरी आई हैव अ ड्राई स्किन, तो मेरे पूरा एरिया इतना ड्राई पैची सा हो गया था. लिटरली मुझे अपना फेस टच करने तक का मन नहीं करता था. सो लास्ट 15 to 20 डेज से मैं एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ. लाइक नॉट कह सकती हूँ कि स्किन केयर रूटीन, एक्चुअली मैंने अपने स्किन केयर में वो प्रोडक्ट्स ऐड किए एंड आई फेल्ट सो मच बिग डिफरेंस इन माय स्किन. सो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूं बिकॉज स्किन की केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक्चुअली में इस वीडियो में पता चलेगा एंड मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है. वो ज़्यादा कुछ नहीं, इधर उधर की चीज़ें लेके नहीं करनी है, आपके पास वो चीज़ होती है बट आपको बस फॉलो करना होता है. एंड विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में इज दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम त्रिवेदा कुमकुमादी ब्यूटी फेस ऑयल. सो इससे पहले आपने जितनी भी मेरी स्किन केयर रूटीन या फिर जितने भी वीडियोज़ देखा होगा उसके अंदर मैंने कभी भी फेशियल ऑयल्स का मतलब जिक्र नहीं किया है, बट दिस टाइम व्हेन आई यूज़ दिस आई लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस. यू कैन सी मैंने इसको कितना यूज़ कर लिया, ऑलमोस्ट हाफ बॉटल और यू कैन से 1/4 मैंने ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर दिया है बिकॉज मैं लास्ट 20 days आई गेस 20 days से मैं कंटिन्यूसली इसे अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ 2 times a day. लाइक मैं मॉर्निंग में भी यूज़ कर लेती हूँ एंड नाइट टाइम में तो पक्का से यूज़ करना ही करना है बिकॉज फेशियल ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब मुझे फील हुआ मैंने जब इसको यूज़ करना स्टार्ट किया बिकॉज फेशियल ऑयल्स होते हैं ना थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो उस पर स्पेंड करने से पहले ना लोगों को सोचना पड़ता है कि यार स्पेंड करें कि ना करें. सो मैंने भी काफ़ी बार सोचा बट फिर आई थॉट कि चलो यार अब अपनी स्किन इतनी वर्स्ट बन चुकी है, अब कुछ ना सही तो कुछ मैं यूज़ करके देख लूँ एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस. मैंने इसको 15 टू 20 डेज तक कंटिन्यूसली अपने फेस पे यूज़ किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस हो गई है. मैं पिक्चर्स डाल दूँगी कि बिफ़ोर एंड आफ्टर की कि कैसे मेरी स्किन वर्स्ट से हेल्दी एंड ग्लोइंग बनी. सो मैं आपको इसका यूसेज बताऊँगी और बताऊँगी कि इसके साथ साथ मैंने क्या चीज़ अपने फेस पे किया सो दैट कि मेरी स्किन बिकम वर्स्ट टू हेल्दी. So let's get started. सो गाइज सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ क्लेंजिंग एंड क्लेंजिंग के लिए यहाँ पे मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी अपना फेवरेट फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, ये आपकी स्किन से जितना भी डर्ट पोल्यूशन है वो टोटली रिमूव कर देता है. नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग. इसके लिए यहाँ पे मैं बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, इससे आपके जो भी ओपन पोर्स होते हैं वो अच्छे से क्लोज हो जाते हैं एंड पिंपल्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग और यूजिंग सनस्क्रीन. सो यहाँ पे मैं वाओ का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ. आप चाहते हो तो कोई मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो. इसको अच्छे से अपने फेस पे इवनली स्प्रेड कर लीजिए. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यूजिंग दिस फेशियल ऑयल. इसको आपको अपनी फिंगर्स में 2 to 3 ड्रॉप्स लेना है एंड थोड़ा सा रब करके अपने फेस पे इवनली मसाज करना है. ये आपके फेस में एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगा एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज करेगा डीपली.
आपकी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी एज वेल एज ये सारी स्किन टाइप्स के लिए. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है. सो दैट्स फॉर ऑल गाइज. एंड मैं कुछ चीज़ें और मेंशन करना चाहती हूँ रिलेटेड टू दिस ऑयल. दिस इज़ एक्चुअली अ सोल्यूशन ऑफ ऑल स्किन प्रॉब्लम्स. मतलब इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एजिंग, एंटी एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, या फिर आपके फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं और डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, वो हट नहीं रहे हैं, अनइवन स्किन टोन. सो सारी स्किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है दिस कुमकुमादी ऑयल. ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 500, बट 2 months तक ईजिली ये चल सकता है इफ़ यू यूज़ ट्वाइस अ डे. मैं तो ट्वाइस अ डे यूज़ कर रही हूँ. 20 days में देख सकते हो आप इतना ही फिनिश हुआ है. 15 ml की बॉटल है. एंड वन थिंग मोर कि जस्ट आपको इसे यूज़ नहीं करना है, आपको अपनी स्किन केयर रूटीन को भी साथ में फॉलो करते रहना है सो दैट कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, ग्लोइंग रहे. बिकॉज स्किन केयर रूटीन फॉलो करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड इन दैट स्किन केयर रूटीन बस आप इस फेशियल ऑयल को ऐड कर लीजिए एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर स्किन. यू विल जस्ट लव योर स्किन वेरी मच. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो. देन कीप लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. टिल देन टेक केयर, बाय.